तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से मशीन चलाया जाएगा, क्या क्या चीजें कैसे ऐड करेंगे, कैसे हमने मटेरियल लोड किया यहाँ पर, कैसे लोड करेंगे और कैसे प्रोडक्शन निकलेगा, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर मटेरियल रेडी करने और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से मटेरियल रेडी किया जाता है। सो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो मटेरियल आपको नजर आ रहा है इस तरीके से आपको ले लेना है और इसे यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। सो दोस्तों ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं ये हमारा मिक्सचर मशीन है जो कि मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स करेगा और मिक्स करने के बाद एक अच्छा मटेरियल रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और इसे मिक्स करते हैं और साथ ही साथ में कितना पानी डालना है वो सारी। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको पानी मिला देना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बेहतरीन हमने पानी मिला दिया है और आपको देखते जाना है किस प्रकार का ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये मिक्सिंग हो रहा है, आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले। देखिए दोस्तों कुछ ही सेकंड में इस मशीन ने बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आटा गूंद दिया है। क्वालिटी देखिए आप, इस मशीन की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होती है आटे को गूंदने का काम करती है। कितना बेहतरीन यहाँ पर आटा बन चुका है। यहाँ पर जो हमारा आटा रेडी हो चुका है अभी हम उसे यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लिया हमने, आटा यहाँ पर रेडी हो चुका है और अभी हम आटे को निकाल रहे हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मशीन है इस मशीन का मेन काम है आटे का रोटी बनाना। अभी देखिए दोस्तों ये मटेरियल यहाँ पर डालेंगे और इसका रोटी बनाकर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बनता है। आपको मटेरियल इस पर डाल दे रहे हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल उसका रेडी होता है। आपको हल्का हल्का आटा भी मिलाते रहना है ताकि दोस्तों जो आपका आटा है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो। देखिए कितना बेहतरीन, आपको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको चीज़ें लगाते जाना है और ऑटोमेटिकली आपको मेहनत से बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आटा बनता होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मटेरियल है वो रेडी हो चुका है और अभी हम इसको यहाँ पर सूखा मैदा लगाकर इसे रेडी कर रहे हैं। तो ये अभी हमारा रेडी हो चुका है और अभी हम आगे चलेंगे, इसको लोड करके दिखाएंगे कैसे लोड होता है। लाओ लाओ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मात्र वेजिटेबल यहाँ पर डाला, पत्ता गोभी हमने डाला और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आसानी से इतना बेहतरीन यहाँ पर कटेंगे मटेरियल निकल रहा है। देखिए दोस्तों ये है मशीन, क्या क्वालिटी का यहाँ पर कटिंग कर कर दे रही है मटेरियल। देखिए दोस्तों क्वालिटी देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल आपको नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी से ये कटिंग कर कर दे रही है। दोस्तों ये था हमारा वेजिटेबल कटिंग मशीन जो कि हम मोमोज बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप इसमें हर प्रकार का वेजिटेबल डाल सकते हैं और उसकी क्वालिटी इसी प्रकार से जैसे आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको बनाकर देगी क्वालिटी। देखिए इतना बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पर कटिंग होकर आ चुका है। चलिए अब आगे की प्रोसेस देखते हैं कैसे इस वेजिटेबल को लोड किया जाता है, वो सारी चीज़ कवर करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले मटेरियल लोड करके दिखाता हूँ कैसे मटेरियल डाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये है हमारा सब्जी, जो हमें सब्जी में कटिंग किया था वो मटेरियल है यहाँ पर जो कि हमने रेडी कर लिया।
आपको क्या करना होगा, यहाँ से मटेरियल को लेकर यहाँ पर ऐड करना, देखिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, इस तरीके से आपको लोड कर देना है। और जैसे जैसे आप यहाँ पर मटेरियल ऐड कर रहे हैं, मशीन का मेन वर्कआउट ये है कि ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो अपने आप ले लेता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जस्ट मटेरियल को लोड कर देना है और मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका कवर अप कर लेगी। सो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर पत्ता गोभी जो कटिंग किया था वो हमने यहाँ पर ऐड किया, उसी प्रकार से यहाँ पर हम आटे को भी इस प्रकार से डाल देंगे। मशीन ऑटोमेटिकली पूरी प्रोसेस करने वाली है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को ले जाएगी। ओके, तो चलिए मशीन को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे मोमोज बनता है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन ऑटोमेटिकली जो हमारा आटा है उसको खींच कर ले जा रही है। कितना बेहतरीन मशीन आटे को लेकर जा रही है। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने कंप्लीट मशीन चलाया, यहाँ पर मटेरियल डाला, यहाँ पर हमने सब्जी वगैरह ऐड की, कटिंग करने के बाद यहाँ पर आपने देखा हमारा जो मोमोज था वो इस प्रकार से बनता हुआ आपने पूरा प्रोसेस देखा। तो आप देखिए दोस्तों, मिनटों में इतना सारा मोमोज यहाँ पर रेडी हो गया है। और दोस्तों, अगर मोमोज की बात करें तो मार्केट में आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सभी लोग मोमोज बहुत ही चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की मशीन लगाकर आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं मोमोज का। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि ये मशीन लगाकर आप जो दूसरे मोमोज बेचने वाले हैं उनको भी डायरेक्टली सप्लाई दे सकते हैं। और ये जो सप्लाई अगर आप देते हैं तो आपका खुद का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी। और किसी प्रकार का क्वेरी क्वेश्चन है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों, ये भी बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी प्रकार का क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।